देर तक टिक पाएगा, अपने आप को हील करना है, जोन के अंदर जाना है और ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। एक ड्रैगन को खत्म करने के लिए आए चार और ड्रैगन्स, हाइड्रा टेक्स हिम डाउन। कैमेनी स्पोर्ट्स चार खिलाड़ी बचे हुए रेडॉक्स से नॉकआउट, लेकिन रेडॉक्स को फाइनली जाके लॉक्स जरूर नॉकआउट नहीं थे, रेडॉक्स से जस्ट हील अप किया था लेकिन उनको नॉक करके अभी खत्म करने की कोशिश थी आधी की, लेकिन रिटर्न में वेनम का बेहतरीन ट्रेड। क्या यहां पर रेडॉक्स को रिवाइवल दिया जा सकता है? ब्लाइंड के चारों खिलाड़ी बचे हुए हैं। विस्कॉट देखिए अभी भी जोन के बाहर ही हील बैटल कर रहे हैं, आगे आने तक का अभी तक उन्होंने सोचा भी नहीं है। मैं देखना चाहूंगा विस्कॉट कब आते हैं जोन में। ब्लाइंड के पास पूरा का पूरा जोन कंट्रोल रहेगा, बट जैजी जाएंगे फिलहाल के लिए रिवाइव देंगे वो आदि को। एयरबोट्स के स्पाई, उनके पास MG3 थी जरूर पर क्या उन्होंने स्विच कर लिया G36 पे, मैं वही देखना चाहूंगा। स्नेले डिप्लॉय कर रहे हैं, एयरबोट्स के अकेले लौटे स्पाई बचे हुए। एंड फाइट ऑफ कोर्स कैमेन वर्सेस ब्लाइंड वर्सेस हाइड्रा के, ये 4v4 के रूप में जरूर हमें देखने का मौका मिलेगा, लेकिन ये एक लौटे खिलाड़ी एयरबोट्स के और ओरैंगुटैन के विस्कॉर्ड कितना ज्यादा दिक्कत ये दिखाएंगे अपने ओपोनेंट्स के नाम। इंतजार है चिकन डिनर कौन निकालेगा ये जानने का। बहुत फाइट्स हमने देखी बट हर फाइट के बाद हर बार हम एक चीज देखते हैं कि आखिरी में जब सर्कल्स बनते हैं ब्लाइंड की टीम आ जाती है, और इस बार भी आप देखिए ब्लाइंड के पास एक अच्छा एरिया है। हाँ, अपने एक प्लेयर आदि अपने कप्तान को रिवाइव नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल चार्ज ना हो पाए। गोलीबारी चल रही है जरूर, स्पाइक को स्पॉट कर लिया गया है, हर्ष का जाएगा नेड, लेकिन इसी बीच में हाइड्रा के स्पर्श को खत्म कर दिया गया है कैमिली स्पोर्ट्स के रीडॉक्स के द्वारा। स्पाई अभी भी टिके हुए हैं, ग्रेनेड रेंज से पार वो अगले से एक जंप नेड आए स्पाई का, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाइड्रा के डूरा ओपी अकेले सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं, रीडॉक्स विद दैट नेड विल शट हिम डाउन और हाइड्रा को भेजा जाएगा इस मैच से बाहर।